तो भाइयों हम लोग फेज फाइव के मलिर टाउन रेजिडेंसी फेज फाइव के प्रीमियम ब्लॉक के अंदर आ गए। ये अभी हम प्रीमियम ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं जो कि स्पेशली इसकी तो रोडे छोड़े बन गई हैं। वो हमने फेज फाइव का ब्लॉक वन दिखाया था तो उसमें तो चीज़ें नहीं बनी हुई थी अभी, उसमें तो सिर्फ अभी बाउंड्री वॉल लगा है। ये इस वाले के अंदर तो रोडे बन गई हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये मलिर टाउन रेजिडेंसी फेज फाइव का प्रीमियम ब्लॉक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसमें तो काम चल रहा है, रोडे सीधी कर दी हैं और सीवरेज के लिए भी चीज़ें ला के रख दी गई हैं, सीवरेज के और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं क्योंकि प्लॉट्स हैं यहाँ पे सारे। यहाँ पे भी ये दूसरा ब्लॉक है, हम जब पहले गए थे जिस ब्लॉक के ऊपर वो दूसरा ब्लॉक था। ये प्रीमियम ब्लॉक है फेज़ फाइव का। ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा ये काफ़ी, ये भी बड़ी सोसाइटी है और पूरी बाउंड्री वॉल। ये स्पेशली मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि ये एक तो जिसमें हम पहले गए थे वो फेज़ फाइव था मलिर टाउन रेजिडेंसी का, ये फेज़ फाइव का प्रीमियम ब्लॉक है। ये उससे थोड़ा सा आगे है, उससे मतलब उधर ही मौजूद नहीं है ये उसके थोड़ा सा आगे। और ये इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री वॉल वगैरह सारी लगा दी है और रोडें भी सीधी कर दी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और डेवलपमेंट के लिए वो पाइप वाइप वगैरह आए रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी 120 गज़ के और 80 गज़ के प्लॉट हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाउंड्री वॉल आपको टैप के अंदर नज़र आ रही होगी। अच्छा पीछे आबादी भी है, अगर आप ऊपर से देख सकें पीछे आबादी, ये सारी सारे घर बने हुए पीछे। तो ये अभी बुकिंग में मिल रहा है, यहाँ पे बुकिंग के अंदर प्लॉट अवेलेबल है। मैं आपको सारी वीडियोस, क्योंकि आज दो फेजेस फेज़ फाइव के दो फेजेस हैं, एक प्रीमियम ब्लॉक है और एक फेज़ फाइव नॉर्मल है। पहले हम उस वाले पे गए थे, अभी हम दूसरे वाले के ऊपर आए हैं। ये आप देखें रोडें तो सीधी हो गई हैं बिल्कुल, ये देखें रोड बिल्कुल सीधी हैं। तो ये सारे प्लॉट्स हैं और आज हमने इनकी थोड़ी सी सर्विस ली है जीएफएस वालों की। जीएफएस वालों का प्रोजेक्ट है ये और इस टाइम कराची में सबसे फेमस नाम है जीएफएस, बिल्डर एंड डेवलपर। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा, ये रोडे छोटे सारी बन गई हैं। बाउंड्री वॉल तो पहले लगती है, लाजमी आते कहीं भी सोसाइटी बनने जा रही हो तो उससे पहले बाउंड्री वॉल लगता है, उसके बाद ही सारी रोडें और प्लॉट की कटिंग। ये आपको देखें पूरा, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो पहले हमने जो दिखाया था मलिर टाउन रेजिडेंसी फेज़ फाइव था, ये फेज़ फाइव का ही प्रीमियम ब्लॉक है। काम दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को, जिन लोगों ने भी बुकिंग करानी है वो बुकिंग करा सकते हैं, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा इसके ऊपर। और वो 3 साल की बुकिंग, 4 साल की बुकिंग, जो भी है इंक्वायरी आप कर सकते हैं। मैं ये सारा दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे 25 लाख 20 लाख 30 लाख इस तरह के प्लॉट हैं यहाँ पे, तो अभी सस्ते हैं। जीएफएस का नाम ज़रा फेमस नाम है इस टाइम कराची का, तो आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें जो हैं अभी सस्ती मिल जाएंगी। अब तो यही एरिया डेवलप हो रहे हैं और आर्मी का एरिया है पूरा, सारे ये लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर इस टाइम, तो आर्मी वाले हैं तो आपको पता है सिक्योरिटीज़ के मामला जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। बाउंड्री वॉल है, गेटेड कम्युनिटी है, अंदर जितने भी बैंगलोर बनेंगे एक सिटी के, ये आपको पूरा एरिया मैं दिखाता हूँ। क्योंकि फेज़ वन में तो मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि ये 10 एकड़ का होगा, लेकिन 50 एकड़ की सोसाइटी है फेज़ वन। और जो अभी हम फेज़ फाइव की पहले वाले ब्लॉक पे गए थे तो वो भी अराउंड कोई है 50 एकड़ की सोसाइटी है, लेकिन ये थोड़ी मुझे छोटी लग रही है। प्रीमियम ब्लॉक जो है इसका, ये तकरीबन अराउंड होगी 10 से 20 एकड़ तक की सोसाइटी लग रही है मुझे ये इस टाइम। हाँ ये 20 एकड़ की है, अभी पीछे खड़े हैं साहब वो बता रहे हैं कि 20 एकड़ की सोसाइटी है। और आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाने के लिए हम आए थे यहाँ पे कि अच्छी सी एक वीडियो निकाल लें। पीछे भी सारी आबादी है, ये पूरा मैं आपको ब्लॉक दिखा रहा हूँ। तो भाइयों पे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं इसके सेकंड फेज़ सिक्स वाले ब्लॉक्स पे। तो भाइयों ये वीडियो मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को सारा दिखा दिया है, फेज़ फाइव का प्रीमियम ब्लॉक है ये। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें। और ये बड़ा गोल्डन एरिया है और आप लोग बुकिंग कराएं यहाँ पे आके और फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आज बुक कराएंगे तो 4-5 साल बाद यही आपको पे ऑफ कर रही होंगी चीज़ें। मलिर टाउन रेजिडेंसी है, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी है, वो आज डबल टेबल कीमत के ऊपर पहुँच चुके हैं। जो लोग इनिशियल स्टेज में बुकिंग कराते हैं उनको यकीनन फ़ायदा ही होता है। और ये सारी लीगल ज़मीन है, MDA से अप्रूव्ड है, SBC से अप्रूव्ड है, सारी NOCs में अभी देख के आ रहा हूँ।
तो ठीक है इंशाल्लाह भाइयों, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हम वीडियो क्लोज़ कर रहे हैं और आपको आप ही मिलते हैं फेज़ 6 में। अल्लाह हाफिज़।